Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by step AutoCAD उर्दू ज़ुबान में सीख रहे हैं। जी students, हमारे 3D के lessons continue हैं। आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, वो basically क्या है मेरे पास? वो मेरे पास union की option है। AutoCAD के अंदर एक 3D की command आती है, इसको union कहा जाता है। ये किसलिए use होती है? बेसिकली इस ऑप्शन का बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या होता है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स को आपस में ग्रुप बना देना होता है। अब ये 3D ऑब्जेक्ट्स को आपस में ग्रुप बनाकर आपको ये दे देता है। पहले वो शेप जो होती है सेपरेट सेपरेट होती हैं, हर एक पीस अलग अलग होता है, बाद में वो ग्रुप बन जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। AutoCAD अपने पास ओपन कर ले। हमेशा की तरह सबसे पहला काम अपने यूनिट्स यू एंड कीबोर्ड से एंटर करें, इंजीनियरिंग, फिर सरेंच डी एंटर करें, डायमेंशन मॉडिफाइड इंजीनियरिंग, फिर सरेंच ओके और क्लोज कर दें। व्यू के अंदर जाए, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन कर दें, जेड स्पेस ई स्पेस कर दें यहां पे से, और मैं इधर व्यू पे चला गया यहां पे। ठीक है, अब देखें मैं यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने पास क्रिएट कर लेता हूं। मेरे पास ऑब्जेक्ट एक ये है, मैं ये ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। इसी तरह से इसके कॉर्नर पे एक ऑब्जेक्ट ये बना लेता हूं। ओके, मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट एक और बनाने की कोशिश की, ये मैंने इधर से बना लिया, और एक ऑब्जेक्ट में यहां पे बना देता हूं। अब मैं इसको एक्सटी कर देता हूं, इसको मैंने कर दिया तकरीबन 20 फीट की हाइट में से देना चाह रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट को मैं 30 फीट की हाइट देना चाह रहा हूं, और इस ऑब्जेक्ट को मैं तकरीबन 15 फीट की हाइट देना चाह रहा हूं। देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट, बल्कि इसको कम कर देते हैं और ext इसको 3 फीट की हाइट देना चाह रहा हूं। तो मेरे पास शेड लगाएं, ये ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्ट इलादा है, ये ऑब्जेक्ट इलादा से है, ये ऑब्जेक्ट इलादा से। आप इसको दाएं से बाएं मूव कर सकते हो, आप इसको भी किसी तरफ भी मूव करके लेकर जा सकते हो, ये है। लेकिन प्रैक्टिकली आप कहते हो ये चीजें दोनों ग्रुप हो जाएं, एक हो जाएं, कंबाइन हो जाएं। अब इनको ग्रुप करने के लिए अगर आप रीजाइन लगा देते हो, तो रीजाइन जो होती है बेसिकली वो तो 2D की ऑप्शन है, वो तो 3D के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, बाउंड्रीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो फिर क्या करेंगे आप, मॉडिफाइड के ऊपर जाओगे, सॉलिड एडिटिंग के ऊपर जाओगे, तो ये आपके पास यूनियन है, यूनियन, यूनियन यू एन आई इसकी शॉर्टकट है, नाम से जाहिर है यूनियन करेगा ऑब्जेक्ट्स को। इसको सिलेक्ट करें, साथ में इसको सिलेक्ट करें और एंटर करते हैं। अब जैसे मैंने इसको एंटर किया, अब आप देखें अब ये तमाम ऑब्जेक्ट आपके पास एक हो चुके हैं। देखा आपने, आपके पास तमाम ऑब्जेक्ट्स एक हो चुके हैं। इस तरह से अगर कोई नया ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, जैसे कि मैं यहां पर एक बना लेता हूं, मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट ही बना लिया, मैंने इसको ext किया और तकरीबन 40 फीट की मैं से हाइट देता हूं, मेरे पास अब ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसको भी आपने यूनियन करना है, तो क्या करेंगे, यू एन आई कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या है, यू एन आई एंटर करें, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और फिर से एंटर कर दें। अब देखिए अब मैं इसको घुमा दूं तो मेरे पास ये शेप बनकर आ जाएगी, अब इसे क्लिक करें तो आपके पास ये बना हुआ आ जाता है, ये देखिए ये। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन थी यूनियन की, यू एन आई यूनियन। तो यूनियन मोस्ट यूज होने वाली ऑप्शन है। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, अब हम वहां तक पहुंच आए हैं जहां से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो सकते हैं, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, यूनियन करना सीख लिया, एक्सक्लूड करना सीख लिया। अब इंशाल्लाह आइंदा वाले लेसन्स के अंदर मैं प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश करूंगा, यानी कि मैं आपको प्रैक्टिकली काम करना बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने एक प्रोजेक्ट लिया जाए, उसके ऊपर काम करके आपको दिखाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट AutoCAD लर्निंग DVDs चाहिए या कंप्लीट मैप कलेक्शन चाहिए आपको AutoCAD के अंदर जो हमने रेडी की हुई है, तो उसके लिए आप हमें
मेल कर सकते हैं। मेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, हमारा स्काइपी आईडी है xpacademy, और हमारी 24 आवर्स हेल्पलाइन है 0343-901-7779। जी स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।